मॉनसून के लिए खरीदे गए सामान में बड़े पैमाने पर कमीशन खाने का इंकशाफ। वासा मुलाजमीन के लिए खरीदे गए यूनिफॉर्म, कैप, रेनकोट, लॉन्ग रबर शूज, छतरी और दीगर सामान महंगे दामों खरीदा गया। 3000 से ज्यादा मुलाजमीन के लिए कितने यूनिफॉर्म किस रेट पर खरीदे गए, जानते हैं अदनान अजीज की इस रिपोर्ट में। वासा मुलाजमीन के लिए खरीदे गए सामान में बेजाबतियों का मामला सामने आया है। दस्तावेजात के मुताबिक 350 यूनिफॉर्म, 150 कैप, 300 रेनकोट, 40 लॉन्ग रबर शूज और 35 छतरियां 19,01,000 रुपए में खरीदी गई। ज़राए का कहना है कि वासा में 3000 से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं, जिनके लिए 350 यूनिफॉर्म न होने के बराबर था। ज़राए का कहना है कि अरसा दराज से सिर्फ सामान खरीदने का शर्फ एक्सियन गुलबर्ग हासिल करते हैं। मामूली सामान महंगे दामों खरीद कर सिर्फ अफसरान और करीबी साथियों में तकसीम किया जाता है। मॉनसून में सिर्फ लक्ष्मी चौक में मौजूद मुलाजमीन में सामान तकसीम किया गया ताकि फोटो सेशन हो सके। ज़राए के मुताबिक दो टाउन्स में एक साथ ड्यूटी करने वाले एक्सियन काशिफ वसूल असद दरा से मॉनसून में इस्तेमाल होने वाले सामान की खरीदारी कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मॉनसून में सामान खरीदने वाले अफसरान पर मुतअद्दिद बार दूसरे अफसरान ने एतराज भी लगाया, लेकिन मामला दबा दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर, अगर मामले की शफाफ इंक्वायरी कराएं तो असलियत सामने आ जाएगी। अदनान नजीर।